हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी को ठीक है। मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली, वैसे आपने देख ही लिया होगा कि ये टाइटल पढ़ी लिया होगा कि बालों को नेचुरली तरीके से हम कंडीशन कैसे कर सकते हैं, काला कैसे कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर सकते। पर हाँ, जो है आज जो मैं बताने वाली, इसमें ज्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। 2 से 3 इंग्रेडिएंट से ही आप अपने बालों को मेहंदी से भी काला कर सकते हैं, ना कि लाल और भूरा करेंगे। आपके बाल जो नेचुरल तरीके से लंबे समय तक के लिए काला हो जाएगा। अब जैसे आपको पता ही है कि जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, अब रिसेंटली बहुत सारे ऐसे जो त्यौहार आने वाले, फेस्टिवल्स आने वाले, तो जो हमारे पास जो है डाई केमिकल के लिए जो है टाइम नहीं हो पाता, बस आप इसे वन टाइम यूज कीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ जो है लोहे की एक कढ़ाई ले ली है, और साथ के साथ मैं इसके अंदर जो 1 से 2 बड़े चम्मच या 3 चम्मच, यहाँ तक कि मैं 100 ग्राम के आसपास जो है यहाँ पर जो है नया मेहंदी लेने वाली। याद रखिएगा, मेहंदी जब भी ले कोई प्योर एंड नेचुरल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ जो है मैं मेहंदी ले रही हूँ, और याद रखिएगा लोहे की काली कढ़ाई में लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको बालों में नेचुरल तरीके से काला पल तो आएगा, और बाल आपके जो लंबे समय तक कंडीशनिंग करेंगे। अब आपको पता है, जो लोग जो है काफी लोग जो है जैसे एग को यूज करते हैं, प्रोटीन यूज करते हैं अपने बालों को अगर सॉफ्ट बनाना चाहते, तो आप इसके अंदर एग भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं उसकी जगह जो आप लोगों को जो मतलब एग नहीं खाते हैं ना यूज करते हैं, तो उनके लिए भी एक मैं बहुत अच्छा एक आइडिया देने वाली हूँ, आप वो भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच ले रही हूँ, ये हमारे बालों के लिए जो काफी ज्यादा इनफ रहेगा। अगर छोटे बाल है तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच लेंगे, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो मेहंदी ले ली। अब देखिए, अब मैं आपको जो है थोड़ा सा अपने गैस की तरफ लेके जाऊंगी, तो वहां पर जो है मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो मैं यहाँ, पानी हमारा बॉयल हो चुका है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें 2 से 3 चम्मच जो है चाय की पत्ती डालूंगी। देख सकते हैं चाय पत्ती जो है हमारे बालों को, इसके अंदर विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से लंबे समय तक काला और सुंदर और सिल्की बनाता है, और हेयर की ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद देखा गया है कि इसमें जो है हम लोग जो चाय की पत्ती डालते हैं वो काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आप देख सकते हैं, आप चाय की पत्ती जो है कोई सी भी ले सकते हैं, घर पे आप लोग जो यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ये चाय की पत्ती ले ली है, अब इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। 2 से 4 मिनट के लिए ही बॉयल होने देना, अपना जो सारा असर ये जो है स्टार्ट कर देगी, और अपना धीरे धीरे जो कलर है आने लग जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना हो जाए, तब आप क्या कीजिएगा इसको जो अपने मेहंदी में ऐड कर लेंगे। तो चलिए, तब तक ये अच्छे से बॉयल होता है, तब तक मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। और जब तक ये ठंडा होता है तो आप देखिएगा इसमें क्या मैं और ऐड करने वाली। एक सीक्रेट चीज है जिससे कि आपके बाल जब मेहंदी लगाते हैं, जब बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो देखिएगा, देखिए चलिए हम मेहंदी की तरफ चलते हैं। तो मेहंदी में मैं जो इसके अंदर जो है आंवला पाउडर ऐड करने वाली, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर भी कर देती हूँ। एक सेकेंड, ये देख सकते हैं यहाँ मैं जो आंवला पाउडर ले रही हूँ, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा अच्छे से मात्रा में होता है और आपके बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखता है। हम इसके अंदर जितना भी हम आंवला पाउडर डालेंगे वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देख सकते हैं हम 1 से 2 चम्मच लेंगे, और याद रखिए आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं और काफी सारे दही भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ मैं जो है आंवला पाउडर ले रही हूँ। इसी के अंदर जो है विटामिन सी होता है, काफी अच्छा रिजल्ट दे देता है। मैंने यहाँ 2 चम्मच डाल दिया, 3 चम्मच मेहंदी और 2 चम्मच आंवला पाउडर डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हाँ, अगर आपके पास कोई कत्था पाउडर है, जैसे ब्राउन कत्था है या रेड काला कत्था है, तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। यहाँ पर जो है मेरा ब्राउन कत्था है, दिखाना चाहूंगी, इस तरीके का आपको इसमें कत्था ऐड करना होगा, 1/2 चम्मच। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि देख सकते हैं कि इस तरीके का ब्राउन कत्था होगा, इस तरीके का, तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। और साथ के देखिए, अब हमारा पानी हो गया है ठंडा, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा केयरफुली करिएगा, हल्का सा एक गुनगुना है, और इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से बनाइएगा, कि इसको ज्यादा मतलब पतला भी मत बनाइए और ज्यादा थिक भी मत बनाइएगा कि ये बालों से जो है निकलने लग जाए। तो देखिए मैं इसके अंदर जो इसको बना रही हूँ, और हाँ याद रखिएगा, अगर आपको इसको तुरंत लगाना है तो प्लीज इसको जो है 20 से 25 मिनट जरूर रखिएगा, नहीं तो आप जो है 1 रात पहले बना के भी इसको जो है रख सकते हैं। देख सकते हैं, और देखिए जो लोग एग नहीं खाते हैं, एग यूज नहीं करते, जिनके घर में एग नहीं आता है, तो वो लोग अपने बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की करने के लिए क्या कर सकते हैं। काफी लोगों ने बताया कि आप इसमें एग डालिए, दही डालिए, बट आप लोगों के पास अगर नहीं है, और एक चीज जो मैं बताने वाली वो हमेशा हर किसी के घर पे होता है, अवेलेबल होता है, वो है कुकिंग ऑयल। तो मैं यहाँ जो कुकिंग ऑयल में जो यूज करने वाली हूँ, सरसों का तेल, 1 चम्मच के करीब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, जिससे कि बाल हमारे बहुत ज्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट हो जाए।
अब आप लोग सोचेंगे कि इससे क्या हमारे बालों में अच्छा सा एक कलर आ जाएगा, बिल्कुल आप कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर, जो आपको जो है आप सोचे कि इसके अंदर हमारे बाल हमारे काले हो पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपके बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे, आप लोग सोचेंगे व्हाइट ही रह जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपके बाल जो नेचुरल तरीके से काले होने शुरू हो जाएंगे। हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी इसमें अंदर ऐड कर लिया, आप अगर आप लोगों पर नारियल तेल है तो वो भी ऐड कर सकते हो, बट सरसों का तेल जो है पुराने जमाने से लेके और अभी तक के लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। और देखिए आपके आंखों के सामने सामने ही ये धीरे धीरे ब्लैकिश होना शुरू हो चुका है, और ये है सिर्फ आयरन कढ़ाई का कमाल है और चाय पत्ती के पानी का कमाल है। हाँ याद रखिएगा, पानी एक अगर एक गिलास लेते हो तो 3 से 4 चम्मच जो है चाय पत्ती जरूर डालिएगा, जो कि स्ट्रांग बनने से क्या होगा बालों में एक जो है बहुत सिल्की कलर तो आएगा, ब्लैकिश कलर भी आ जाएगा। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप इस तरीके का ब्लैकिश होना शुरू हो गया, बिल्कुल आप ही के सामने मैंने ये बनाया, कोई वीडियो को स्किप नहीं करा है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया। प्लीज इसे जो अगर 20 से 25 मिनट रहने दे तो ज्यादा बेटर है, जब भी आपका हॉलीडे हो, जब भी आपके फ्री हो तब आप इसे लगा लीजिएगा। और देखिए आपको जो तुरंत आपको कभी नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग लगाते हैं एक हफ्ते के अंदर, ये आप लोगों के जो बाल है 1 महीने से ज्यादा चल पड़ेंगे, और बालों को जो है 2 से 2.5 घंटे जरूर रखिएगा बालों पर, तभी आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोगों को जिसमें जो मैंने सीक्रेट चीज बताई है जरूर इसके अंदर ऐड करिएगा, सरसों का तेल, वो आप लोगों के बालों को बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट करेगा, बहुत ज्यादा अच्छा कर देगा, बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये वाला मेथड। आप इसके अंदर जो है नारियल तेल भी ऐड कर सकते हैं, तो देख सकते हैं मेरे को तो काफी अच्छा लगा ये, और मैं इसे जरूर ट्राई करूंगी। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से रिजल्ट आने लग गया है इसका, मिक्स सा कलर है, देखिए अभी ग्रीन के साथ साथ ब्लैकिश भी आना शुरू हो गया। बस ये लोहे की कढ़ाई का कमाल है, आयरन की कढ़ाई का, बस इसी तरीके आप इसे जो है ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी होगी, प्लीज इसे जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करती रहूँ। और अपना कोई भी सुझाव है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको जो है वहीं पर मैं बता दूंगी। और साथ के साथ जो है मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा एक कलर आना शुरू हो गया नीचे की तरफ, देख सकते हैं इसके स्पून में, बस इसी तरीके से ये। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर आप लोगों के साथ।